तो चलिए, तो यहाँ पे टॉस किया जा रहा है कि कौन से पहले टीम जो है रोकेगा, वही मैच रेफरी है। मद्देनजर रखते हुए मुझे शेयर मजल रहा है विशाल की, मौसम भी 30 उसी के बाद है विशाल। तो चलिए अपने होस्टल बॉय सोनी सरदार हटे खटे खिलाड़ी है, बिल्कुल हल्का बिल्कुल किक पॉइंट पे रखा हुआ है, कोई चांस नहीं यहाँ पे शुरू के लिए, क्योंकि ये बहुत ही नापीतुली शॉट है, क्योंकि इतना और बिल्कुल। चलिए मुझे तो लग रही है छोटे छोटे पड़वाज है, लेकिन आज ये छोटे बम बड़ा धमाका कर दिखाया है। दूसरा शूटर होस्टल बॉय वो जी रहे क्रॉस कॉर्न पे यहाँ पे लगा है, तो ये एक थोड़ा सा नाखुश होंगे साथी प्लेयर्स भी, लेकिन ये क्या चाहे खांची चाहे, लेकिन यहाँ होता है जब वुमेन्स भी आता उस दौरान, बहुत थोड़ा सा खराब संकेत यहाँ पे आता हुआ, थोड़ा सा दबाव बनाने का। चलिए यहाँ प्लेट शूट आउट का यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है डीएसएलआर कैमरे से, तो यहाँ पे कुमार निरुक जी का उन पर सभी मैच का प्लेट शूट आउट देखने को मिलेगा। और ये मैं क्या देख रहा हूँ विशाल, बहुत ही लूज शॉट, थोड़ा सा नाखुश तो आउट ज्यादा किए हैं, तो यहाँ पर एडवांटेज बनेगा यहाँ पर आरएस स्टैंडर्ड के लिए। अगर आर एक साल सेमीफाइनल पे जाएगा तो फिर तो इस बार 2022 में हमें इसको कुछ खास शॉट नहीं रहा था, लेकिन इस मरतबा क्या गोल खिलाएंगे, कम से कम गोल करना चाहेगा यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से स्कोर दिए। और चलिए एक बार गलती होता है, वो कहते ना विशाल जो बूढ़ा जो होता है एक बार डांडा खोता बार बार नहीं खोता, उसी तरह ऐसे है। ये अंतिम फिनिशिंग देने जा रहे हैं, अगर ये गोल करते हैं तो सुनिश्चित हो जाएगा जीत। रामेश तो गोल कर चुका है, तो मैं इन लोगों का भी अच्छा लिंक है, क्योंकि जब आरएक्स 100 टीम से भी खेलते हैं और आरएक्स 100 टीम के प्लेयर्स जो है हिस्सा टीम में भी, तो कहीं ना कहीं ये लिंक है। तो इस तरह का आज भी कुछ एमएस स्पोर्टिंग जो पिछले गार्ड चैंपियन था उसमें भी जुड़ा हुआ था। और मैच हार मैच नया होता, लेकिन हार मैच में एक जैसे